यूपी परीक्षा बोर्ड का आज परिणाम घोषित हो चुका है, जहां प्रदेश को प्रियांशु सोनी सीतापुर की रहने वाली लड़की ने हाई स्कूल में टॉप किया है, तो वहीं शुभ चपरा महोबा के रहने वाले ने प्रदेश में इंटर में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बागपत के श्री राम इंटर कॉलेज में। इस इंटर कॉलेज की खास बात यह है कि ये प्रत्येक वर्ष प्रदेश में टॉप देता है, और अब की बार भी यहीं के एक छात्र ने अर्जुन, जिसका नाम है, प्रदेश में इंटर में 7वीं रैंक प्राप्त की है। फिलहाल अर्जुन मेरे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इनसे कि किस तरीके से इन्होंने मेहनत की, कितनी इन्होंने मेहनत की और इनकी पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल। थैंक यू सर। अच्छा, आपने प्रदेश में 7वीं रैंक हासिल की है इंटर में, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि हमें पूरी तरह से अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए, और जो भी आपका डाउट है किसी भी विषय में उसको अपने तुरंत हल कर लेना चाहिए, ताकि आपको कोई समस्या ना बने उसमें। और हमारे विद्यालय में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है कि अगर किसी बच्चे को किसी उस विषय में गड़बड़ समस्या है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो वो एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ सकता है। अच्छा बेटा, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने नकल विहीन परीक्षा कराई, जिसके कारण बच्चों की प्रतिभाएं निकल कर सामने आ रही है, और हमारे डायरेक्टर उपेंद्र सर, जिन्होंने स्कूल में पूरा अनुशासन बनाए रखा, जिससे पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके, और हमारे समस्त अध्यापकगण जो अनुभवी है, उन्होंने बहुत ही हमें बोर्ड के विषय से टारगेट करके हमें बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ाया, और हमारे माता पिता जिन्होंने हमें आर्थिक रूप से इस विषय इस काबिल बनाया कि आज हम इस स्थान पर पहुँच गए हैं। बेटा, आपने मेहनत की, प्रदेश में 7वीं रैंक हासिल की। बागपत की खास बात यह रही है कि प्रदेश को टॉपर देने के साथ साथ यहाँ के बच्चे खेल कूद में भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो आपको खेलना कूदना पसंद नहीं है? खेलना कूदना पसंद है मुझे। मैं रविवार के दिन क्रिकेट खेल लेता हूँ, जिससे मन भी रिलैक्स हो जाता है थोड़ा, और ज़्यादा रुचि नहीं है मुझे, थोड़ी रुचि है उसमें। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं IAS बनकर देश सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा, 12th के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि IAS जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है, वह सरकार और जनता के बीच कड़ी होता है, वह सरकार के सभी क्रियाओं को क्रियान्वयन करवाता है जिले में, और अच्छी तरह से उनकी देख रेख करता है। वह जिले में हर प्रकार के भ्रष्ट कर्मचारियों को अलग कर सकता है, उसके पास बहुत सारी पावर होती है, जिसके कारण वो जिले में हर प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकता है और कल्याण कर सकता है जिले का। बेटा, थोड़ा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कौन कौन सदस्य फैमिली में और क्या क्या करते हैं? मेरे पिता मास्टर संजीव कुमार जी है, और माता बिरजेश देवी जी है जो गृहिणी है, और मेरे 5 बहन भाई है, बड़ी बहन BSc कर रही है शगुन, और मैं आज यहाँ स्थान पर, वो मेरी छोटी बहन दिव्यांशी जी ने जिले में 6 स्थान प्राप्त किया है, और छोटा भाई दिव्यांश है जो 6 क्लास में पढ़ता है। चलिए बेटा, हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे साथ एक गुड़िया भी मौजूद है, और आपको बता दें, ये जो गुड़िया हमारे साथ है, इसने भी जनपद में 12वीं कक्षा में 6ठी रैंक प्राप्त की है, और अर्जुन की ये छोटी बहन है, इनसे भी बात करते हैं, इनको कैसा लग रहा है? बेटा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अच्छा बेटा, आपने जनपद में टॉप किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, जैसे हमने मेहनत की हमें उसी के अनुसार अंक मिले हैं। अच्छा बेटा, आपका भाई भी और आप दोनों साथ में पढ़ते थे, लेकिन भाई ने कहीं ना कहीं प्रदेश में रैंक हासिल की और आप जनपद तक रह गए, क्या कारण मानते हैं? कहीं ना कहीं सर मेरी कमी है, जो मैंने कम मेहनत की और इसका प्रदेश में आ गया मेरा जनपद में। तो वैसे खुशी तो हो रही होगी आपको? हाँ जी, पूरी खुशी है। अच्छा बेटा, भाई से प्रेरणा लेकर आप आगे क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। तो दोनों भाई बहन IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। चलिए बेटा, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मेहनत दोनों ने सेम की, लेकिन आप जनपद तक रह गए और ये प्रदेश तक पहुंच गया, तो आगे आपको और भी मेहनत करनी होगी। अच्छा, अभी हमारे साथ देखिए, इन बच्चों से हम बात कर रहे थे, इनके पिताजी हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं, और एक छोटा भाई भी है इनका, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इनसे पहले इनके पिताजी से जान लेते हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके बच्चों ने आपका नाम रोशन किया, कैसा लग रहा है? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे जो है, दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, और बहुत ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा सर, आपने देखा होगा इस उम्र में बच्चे जनपद में अपराध की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों ने कहीं ना कहीं आपका नाम रोशन किया है पढ़ाई के क्षेत्र में, तो इसका क्या कारण मानते हैं? जी, इसका कारण तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा घर में ही परवरिश करनी चाहिए बच्चों को, घर वालों को जो है थोड़ा बच्चों के बारे में देखना चाहिए, उसके बाद कॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है, कॉलेज में इस तरह के संस्कार दिए जाए, अनुशासन दिया जाए कि घर जाकर बच्चे जो है पढ़ाई या खेल के सिवा दूसरे अपराध की तरफ ना जा सके। अच्छा, वैसे कॉलेज तो बहुत सारे थे जनपद में, आपने श्री राम को क्यों चुना बच्चे के लिए? क्योंकि यहाँ सबसे देखे, शिक्षा में सबसे पहले पढ़ाई से पहले होता है अनुशासन,
ये उम्र किशोर अवस्था होती है और किशोर अवस्था तूफानी अवस्था होती है। यहाँ लड़के लड़कियाँ बहुत बड़े बड़े बच्चे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ अनुशासन बहुत अच्छा है। और पहले अनुशासन होगा तो ही पढ़ाई होगी, अगर अनुशासन अच्छा नहीं है तो आप कितना भी मेहनत कर ले वहाँ पढ़ाई हो ही नहीं सकती। तो मैंने देखा कि अनुशासन यहाँ सबसे अच्छा है, और इससे पहले भी यहाँ पर टॉपर्स निकल चुके हैं, तो यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, अनुशासन बहुत अच्छा है, और यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि एक एक पेपर जो है कई कई बार ये प्री बोर्ड कराते हैं, और जो भी कमियां होती हैं, जो डाउट्स होते हैं बच्चे के, उनको जो है क्लियर कराते हैं, जिससे बच्चा छोटी छोटी गलतियां ना करे एग्ज़ाम में। चलिए सर, आपने बहुत छोटी छोटी बातें नोट की, क्योंकि आप भी एक अध्यापक हैं, तो इसी वजह से आपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराया। हमारे साथ इनका एक छोटा भाई भी है, इनसे भी जान लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? दिव्यांश। अच्छा दिव्यांश, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं सिक्स्थ में। सिक्स्थ में, अच्छा आपके भाई बहनों ने टॉप किया है, इससे क्या प्रेरणा लेंगे आप? मैं भी ऐसा ही करूँगा। आप भी इतनी मेहनत करेंगे तो आप बड़े होके क्या बनेंगे? अभी डिसाइड नहीं क्या क्या बनना है? नहीं। चलिए बड़े भाई बहन आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो अभी हमने जो प्रदेश में सातवीं रैंक प्राप्त कर चुके हैं अर्जुन, उनसे बात की। उनकी बहन ने जो जनपद में सिक्स रैंक प्राप्त की है इंटर में, उनसे बात की। ये दोनों बच्चे बड़े होकर आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं और समाज की जो व्यवस्था है उसको सुधारना चाहते हैं। तो भास्कर समाचार इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि भविष्य में ये बच्चे बड़े होकर अपने जो इनके मन में है उस रैंक को हासिल करें और देश सेवा करें।